कैसे हैं आप? मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों आज कुछ अलग सा काम करने वाली हूँ। आज मैं ना घर पे कुछ पेंट करने वाली हूँ। सब डरे हुए हैं, सबको लग रहा है कि पेंट करेगी दीवार खराब कर देगी और फिर से पेंटर बुलाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो पीछे की आप दीवार देख रहे हैं ब्लू कलर की, मैंने स्पेशली ब्लू इसलिए कराई कि इसके ऊपर मैं स्टेंसिल पेंटिंग कर सकूँ। तो स्टेंसिल पेंटिंग के लिए क्या है कि थोड़ा सामान मैंने अमेजोन से मंगाया है। घर पर बैठे बैठे बहुत सारा सामान मंगाया, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे ताकि मैं थोड़ी समझ जाऊं कि मुझे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने सीढ़ी खरीदी, मेरे पीछे देख रहे ना, क्योंकि हाइट पर तो मुझे वैसे भी डर लगता है। तो सीढ़ी पर चढ़ूंगी, 3 स्टेप्स ही चढ़ूंगी, ज्यादा नहीं चढ़ूंगी। और बहुत सारे तो देख रहे हो कितनी सारी तैयारी कितनी सारी तैयारी कर रखी है मैंने। तो मैंने एक तो व्हाइट पेंट मंगाया है क्योंकि मैं व्हाइट कलर के पैटर्न इधर बनाना चाहती हूँ। तो ये मैंने मंगाया व्हाइट पेंट, ये है एशियन पेंट, नहीं एशियन पेंट्स, यहाँ एशियन पेंट्स का है व्हाइट हमें कलर। रोलर ब्रश चाहिए होता है इसके लिए, तो मैंने रोलर ब्रश मंगाया। तो ये बड़ा अच्छा रोलर ब्रश है कि इसमें मैं पेंट डालूंगी इस तरफ और थोड़ा यहाँ से रोल रोल करके फिर मैं स्टेंसिल पेंटिंग कर लूंगी। एशियन पेंट्स का ही है कुछ, अगर आपका भी दिल कर रहा है दिवाली पे अपना घर सजाने का, तो मैं इन सारी चीजों का जो जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सबका लिंक दे दूंगी। सीढ़ी का भी दे दूंगी और पेंट ब्रशेस का, रोलर ब्रशेस का, पेंट का, सबका आपको दे दूंगी मैं लिंक है। तो स्टेंसिल को छूटे नहीं, एक सा मतलब जब हम पेंट करें स्टेंसिल चिपकी रहे, तो इसके लिए मास्किंग टेप आती है इस तरह से, ये निशान नहीं छोड़ती है दीवार पर, होपफुली ना छोड़े निशान। मैं भी पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ। और सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं, हमें चाहिए स्टेंसिल। तो अपनी पसंद की आप स्टेंसिल ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ी बड़ा वाला डिजाइन लिया है, देखो। तो ये क्या है, ये नीचे इसके पेपर है, इसको हटा देंगे, खोल कर देखते हैं। मैंने भी खोली, टक्कल की हुई है ये इसको हटा देते हैं। ये पैकिंग पेपर का काम आ सकती है, आई डोंट नो और क्या काम आ सकती है एक तरफ से। ये अब मैंने मंगाई है ये स्टेंसिल, ये पैटर्न है देखो, और काफी बड़ी वाली मैंने मंगाई है ताकि मुझे एफर्ट कम लगे। छोटे छोटे पीसेस होंगे तो बार बार यूज करना पड़ेगा, बड़े पैटर्न अच्छे भी लगते हैं। और ये बड़ा अच्छा भी है ये ना, और एवरग्रीन रहता है डिजाइन, आप इसमें छोटा भी ले सकते हैं। तो ये अगर आपको स्टेंसिल अच्छी लग रही है तो मैं इसका भी लिंक शेयर करूंगी। ये कॉम्बो पैक है, एक और डिजाइन मैंने मंगाया है, वो किसी और रूम में कभी कर देंगे अगर आज का वीडियो अच्छा रहा तो, आज का अगर एक्सपेरिमेंट चल गया तो। मुझे भी नहीं पता कैसा होगा, सब बढ़िया होना चाहिए, होगा ना बढ़िया, विश मी लक, विश मी लक। तो चलिए फिर मैं आप, तो देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो रंग लिया है इसको खोल कर रख लेते हैं। और ये जो मैंने रोलर ब्रश मंगाया है इसके साथ ही ये हमें पेंट रखने के लिए इस तरह से बॉक्स मिला है, जिसमें एक तरफ मैं पेंट को कलेक्ट करने वाली हूँ, दूसरी तरफ मैं रोलर ब्रश चलाऊंगी, जिससे क्या है रंग ज़्यादा नहीं आएगा, ड्रिप नहीं करेगा और रंग गाढ़ा ही लें। इसमें कुछ नहीं मिलाना है आपको, पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पतला कर लेंगे रंग तो बहने लगेगा। गाढ़ा होना चाहिए इस तरीके से, थिक होना चाहिए। और ये रोलर ब्रश आप देख रहे हैं, बस ये रोल रोल करके हमने चलाना है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रंग नहीं लेना है, नहीं तो क्या है स्टेंसिल के नीचे चला जाता है तो रंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा लीजिए, ब्रश पर कम रंग लगाइए, अच्छे से दबाकर प्रेस करते हुए रोल करते हुए आपने स्टेंसिल पेंट करनी है। देखिए इस तरह से रंग लगाने के बाद आप इसे रोल जरूर कीजिए, इस तरीके से रोल करिए ताकि रंग जो है इवनली सब तरफ आ जाए, और एक जगह अगर इकट्ठा होगा तो फिर वो कहीं से भी पत्ती के नीचे से निकल कर, मतलब स्टेंसिल के नीचे से निकल कर ड्रिप कर सकता है। तो ये हमने स्टेंसिल निकाल ली है, इसका एक ही तरफ हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर रखेंगे, और एक तरफ हम दीवार की तरफ रखेंगे, हमने अल्टा पल्टी नहीं करनी है। तो जो हमने पोर्शन अपनी तरफ रखना है उसके ऊपर हम टेप लगाने वाले हैं। और ये देखिए इस पे कटिंग कर रखी है, मार्किंग कर रखी है, तो इसको भी मैं टेप से कवर कर रही हूँ ताकि जब भी मैं रोलर ब्रश चलाऊँ तो गलती से इस पर रोलर ब्रश चल गया तो नंबर 8 छप जाएगा। तो चारों कॉर्नर्स में मैं इस पर मास्किंग टेप लगा रही हूँ, जो कि बहुत हल्की है, जिसे मैं कागज़ की बनी होती है, इसे मैं हाथ से फाड़ कर ही चिपकाने वाली हूँ। गिरने भी लगी थी आपने देखा ना, बस बच मतलब अच्छी सीढ़ी है, गिरने नहीं दिया, डिसबैलेंस हो गई थी पर मैं बच गई। तो अब मैं ये वाला पोर्शन कर लेती हूँ, ये उल्टा लग गया, ये मैंने उल्टा लगा दिया। तो मेरे को मार्किंग थी ना जहाँ नंबर है वो सीधी वाली साइड है, देखो ये मैंने उल्टा लगा दिया, अब मुझे उल्टा पलटा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ता है।
तेरी आवाज भी जा रही है साथ साथ, मजे लेना ना तू। अब ये जो मैंने दिया ना नंबर वाली मार्किंग है ये ऊपर है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, या एरो बना दो ऊपर की तरफ तो इजी रहेगा। मैंने सोचा था पहले, फिर मैं थोड़ी सी लिखने पढ़ने में ना मतलब मेरे को मजा नहीं आता लिखने में, तो मैं अंदाजे से काम करती हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है मेरे साथ। ये इधर लग गया, अब मुझे समझ आ गया मैंने सीधी लगाई, क्योंकि अगर एक भी स्टेंसिल उल्टी होगी ना तो डिजाइन जो है अच्छा नहीं आएगा। तो अब ये सीढ़ी पर रखती हूँ मैं रंग, पेंट हो गई है। मुझे सुबह से शाम हो गई क्योंकि मैं साथ साथ घर के काम भी निपटा रही थी, कभी रोटी बना रही थी, कभी आटा गूंद रही थी, कभी किसी के लिए चावल, मतलब खाना भी बन रहा था साथ साथ घर के काम भी हो रहे थे, और मैं बीच बीच में ब्रेक लेके अपनी वॉल को भी पेंट कर रही थी। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी पेंट हो गई है। थोड़ा सा नीचे का जो पोर्शन है मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इधर मतलब फर्नीचर आएगा तो जरूरत ही नहीं है, मोड पे चल रही हूँ। मैंने इयररिंग्स भी नहीं पहने हुए, ऐसे तैयार भी नहीं हूँ, बस सुबह से बस घर के काम। अब आप ये देखिए मेरा हुलिया पूरा पेंट पेंट हो रखा है। अब ये टी शर्ट खराब नहीं होगी, इसको टी शर्ट को मैं क्लीन कर लूंगी। और तो वॉल तो मैंने अच्छे से पेंट कर ली, जैसा कि मैं चाहती थी वैसी ही हुई है, वैसे ही मुझे स्टेंसिल्स मिल गई और बहुत इजीली मिल जाती हैं। ये देखिए मैंने जो ट्यूब वाला हिस्सा है ऊपर मैंने स्टेंसिल्स को काट कर किया यूज, तो स्टेंसिल्स को मैंने काटा है फिर इस्तेमाल किया। देखिए ये कटिंग वाली पड़ी हुई है इधर, तो ये मैंने ट्यूब के नीचे लगाई और ऊपर वाला जो इसका पोर्शन था वो मैंने ऊपर लगाया, तो उस तरीके से मैंने इसे काट कर इस्तेमाल किया और बनाया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि फर्नीचर आ जाएगा, और ऊपर सारी दीवार पर मैंने स्टेंसिल से कर दिया है कलर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा मुझे एक अच्छी सी अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है, चाहे छोटा सा ही काम है पर करके बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर से आपसे मिलूंगी दोस्तों नई रेसिपीज़, नए कोई हॉल वीडियो, नई कोई ऐसी डीआईवाई लेकर, पता नहीं क्या क्या लेकर आऊँगी फिर से। तो अभी तो आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, एक रेसिपी लेकर आती हूँ आपके लिए बढ़िया सी, फिर मिलूंगी। वीडियो देखते रहिए, अगर चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका भी मन कर रहा है कि आप स्टेंसिल पेंटिंग कर सके तो मैं आपको लिंक सारे शेयर कर दूंगी, जो जो मैंने सामान मंगाया बहुत कम कॉस्ट में, 12-13 हज़ार वाला काम घर में हमने 800 रुपये में निपटा दिया है। तो फिर चलो, ऑल द बेस्ट आपको भी।